सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सावितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनम् नादविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को सादर नमन, अभिनंदन, वंदन। आज प्रश्नोपनिषद का तीसरा प्रश्न है, तो इसकी कंटिन्यूटी में अगर हम पीछे से थोड़ा सा रिकैप ले लें कि पहले दिन की कक्षा जो थी उसमें चर्चा हुई थी कात्य वंश के कबंधी ऋषि ने महर्षि पिपलाद जो महाप्राज्ञ हैं उनसे प्रश्न किया था। छह ऋषियों का समूह उनके पास गया, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा था, लेकिन शिष्यत्व की साधना के बिना एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य शिक्षण नहीं देता है, तो इसकी मर्यादा भी उसमें चर्चा में आई थी कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्या है, शिष्यत्व की साधना क्या है, कौन लोग इसके अधिकारी होते हैं। और फिर ऋषि कबंधी ने जो प्रश्न पूछा था वो बेसिक प्रश्न पहला था कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राण से संबंधित था। प्रजापति ने प्राण और रई नाम के तत्व का निर्माण किया और उन्हीं तत्वों के संयोग से इस प्रजा की उत्पत्ति हुई, और उसमें सविता सर्वभूतानां सर्वभावान् प्रसूयते के अनुसार उस परम चेतना जिसका स्वरूप सूर्य के रूप में परिलक्षित होता है उसकी प्रधानता का भी विषय आया था। और चूंकि सूर्य की प्रधानता थी सृष्टि के निर्माण में, संचालन में, इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन की गतियों का व्यवहारिक स्वरूप क्या है साधक के लिए, इस पर भी चर्चा हुई थी कि उत्तरायण की गति ये देवयान मार्ग कैसे होती है और दक्षिणायन की गति ये पितृयान मार्ग कैसे होती है, एक ऊर्ध्वलोक में ले जाती है और एक अधोलोक में ले जाती है। तो ये पहले दिन की कक्षा का विषय जिसमें महर्षि कबंधी ने प्रश्न किया था। दूसरे दिन की कक्षा कल अभी हम लोग मिलजुल करके इसका स्वाध्याय किए हैं, उसमें विदर्भ देश के ऋषि भार्गव ने प्रश्न किया था कि इस प्रजा तो उत्पन्न हुई लेकिन प्रजा को धारण करने वाले देवता कौन कौन से हैं और उन देवताओं में वरिष्ठ देवता कौन है, और वरिष्ठ देवता प्राण के रूप में उनकी चर्चा हुई और प्राण की विशेषताओं के बारे में कल बहुत विधिवत हम लोग मिलजुल करके किए, और विशेषणों के माध्यम से कि प्राण ही सूर्य है, प्राण ही इंद्र है, प्राण ही एकर्षि है, प्राण ही मातृस्वा है और प्राण ही अग्नि है, और अग्नि चूंकि ऋषि है इसलिए उसके बारे में भी कल विधिवत चर्चा हुई थी कि पंचाग्नि विद्या क्या है जिसके माध्यम से प्राण की साधना की जाती है और उसका लाभ हम सब ले पाते हैं। और इन दोनों प्रश्नों के अंत में प्रार्थना का भाव आता है, तो पहले दिन की प्रार्थना में
अंतःकरण को पवित्र करते हुए हम ब्रह्म की तरफ बढ़ें। दूसरे दिन का चूंकि देवताओं का विषय था तो प्राण से प्रार्थना की गई थी कि इन देवताओं को शांति प्रदान करें, इनका कल्याण करें और मातृवत हमारा संरक्षण और पोषण करें और हमें श्री और समृद्धि, श्री और प्रज्ञा, जो हमारे जीवन के दो उद्देश्य होते हैं कि श्री क्या है, प्रज्ञा क्या है, अंतःकरण परिष्कृत हो और बहिरंग सुविकसित और सुव्यवस्थित हो, इस पर चर्चा हुई थी। और आज तीसरा प्रश्न ऋषि आश्लायन ने किया है महाप्राज्ञ महर्षि पिपलाद से। ऋषि आश्लायन आगे चल करके बहुत बड़े ऋषि बने, और अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो महर्षि आश्लायन के नाम पर उनके स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र तीनों की विधिवत व्याख्या आई है। इतने बड़े महर्षि बने, तो प्रश्न क्या है और इसका महर्षि पिपलाद ने क्या उत्तर दिया, एक बार हम लोग उपनिषद को पठन पाठन कर लें और फिर उस समय की भाषा शैली को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जाए और कैसे उसको आत्मसात किया जाए, इस पर कुछ विवेचना कर लिया जाएगा ताकि इसका लाभ लिया जा सके। नहीं तो ये कथा कथाना के माध्यम से कहानी कह करके सुन करके, और चूंकि आज का प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, तो क्या कठिनता इसमें है, थोड़ा सा इसका स्तर ऊंचा होगा, प्रयास तो उसका यही रहेगा कि उसको सरलता से, सहजता से उसको अभिव्यक्त किया जाए, लेकिन अभी वो स्तर अपना नहीं आया है कि उस सरलता तक पहुंच करके उसकी अभिव्यक्ति की जाए, तो कठिनता के लिए थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे। आज का प्रश्न थोड़ा कठिन है तो विवेचना भी थोड़ी कठिन ही होगी, तो प्रश्न एक बार पढ़ लें, उसका उत्तर पढ़ लें और फिर हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं मिलजुल करके। तृतीय प्रश्न, तदुपरांत कौशल्य आश्लायन ने महर्षि पिपलाद से पूछा, भगवान इस प्राण की उत्पत्ति कहां से होती है, ये इस शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट होता है, किस प्रकार शरीर से बाहर आता है और किस प्रकार बाहरी और भीतरी शरीर को धारण करता है। महर्षि पिपलाद ने उनसे कहा कि आप बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं, किंतु आप ब्रह्मनिष्ठ हैं इसलिए मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं। उसके बाद तीसरा सूत्र है, आत्मन एस प्राणो जायते ये थैसा पुरुषे छायत तस्मि नेदत दाततम मनो कृते नायात्म नायात्म सच्छरीरे। इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है, जिस प्रकार छाया देहधारी की देह से उत्पन्न होती है अथवा छाया देहधारी के आश्रित है, उसी प्रकार प्राण आत्मा से उत्पन्न होकर उसी के आश्रित रहता है। ये प्राण मन के संकल्प के अनुसार शरीर में प्रविष्ट होता है। माइक अपना ऑफ कर लें प्लीज। जिस प्रकार राजा अपने विभिन्न अधिकारियों को पृथक पृथक ग्रामों में नियुक्त करता है, उसी प्रकार प्राण प्रमुख प्राण अन्य प्राणों इतर प्राणों इंद्रियों को पृथक पृथक नियुक्त करता है। वह प्राण स्वयं मुख और नासिका से निकला हुआ नेत्र और श्रोत्र में प्रतिष्ठित होता है तथा गुदा वायु एवं उपस्थेंद्री में अपना वायु को नियुक्त करता है, अपान वायु को नियुक्त करता है। मध्य भाग में समान वायु रहता है जो अन्न को समानता पूर्वक शरीर के विभिन्न भागों को वितरित करता है। उसी प्राण रूपी अग्नि से सात ज्वालाओं का प्रादुर्भाव होता है। यह आत्मा प्राणी के हृदय प्रदेश में स्थित है। इस हृदय प्रांत में 101 नाड़ियां हैं। उन सभी नाड़ियों में प्रत्येक की 100-100 शाखाएं हैं और उन सभी नाड़ी शाखाओं में भी प्रत्येक की 72,000 प्रति शाखाएं हैं। इन सब नाड़ी शाखाओं में ज्ञान वायु संचरित होता है। इस नाड़ियों में एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी उर्ध्वगामी है, जिसके माध्यम से
उदान नामक वायु मनुष्य को पुण्य कृत्यों द्वारा पुण्य लोकों को और पाप कृत्यों द्वारा अधम लोक को ले जाता है। वह उदान वायु पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा मनुष्य को मर्त लोक में प्रतिष्ठित करता है। आदित्य निश्चित रूप से बाहरी प्राण है। यह चक्षु संबंधी प्राण को अनुग्रहित करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी का देवता प्राणी के अपान वायु को आकर्षित करता है। इन दोनों देव और पृथ्वी के बीच का रिक्त स्थान आकाश ही समान वायु है तथा वाह वायु व्यापकता में आंतरिक ज्ञान से समानता होने से ज्ञान है। विश्वविख्यात आदित्य रूपी तेज ही उदान है जिनका तेजस शीतल हो जाता है, उनकी इंद्रियों का मन में विलय हो जाता है। इस स्थिति में वे पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। मरण काल में इस आत्मा का जिस तरह का मन संकल्प होता है वह उसी प्रकार के संकल्प के साथ प्राण को प्राप्त करता है। वो प्राण तेजस संपन्न होकर जीव के संकल्प अनुसार उसे विविध लोकों में ले जाता है। जो विज्ञजन प्राण तत्व को इस प्रकार जानते हैं उनकी प्रजा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है और वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक इसी तथ्य का प्रतिपादन करता है। जो मनुष्य प्राण तत्व की उत्पत्ति आगमन स्थान व्यापकत्व तथा बाहरी और आध्यात्मिक आंतरिक स्थिति के पांचों भेदों को भली प्रकार जान लेता है वह अमर पद प्राप्त कर लेता है। यह निश्चित ही अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। ये तो रहा इस उपनिषद में प्रश्न और उसके उत्तर में जो लिखा है। क्योंकि उपनिषद की शैली कैसे हो, इसको आत्मसात कैसे किया जाए, इस पर प्रश्न आता है। आप देखें कि महर्षि पिपलाद ने क्या कहा, ये बहुत कठिन प्रश्न है। प्राण की उत्पत्ति और उसका इस शरीर में नियोजन नियामकत्व, और प्राण ही सर्वश्रेष्ठ देवता है, तो प्राण का संयमन और प्राण पर नियंत्रण, अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में हमको जानकारी हो जाए, इसीलिए गायत्री साधना की आवश्यकता पड़ती है। गय शब्द प्राण ही है और प्राण से त्राण होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी घनघोर तपश्चर्या करके अपने बच्चों के लिए इतने सरल भाषा में इसको प्रकट किया है ताकि हम सभी आसानी से इसको समझ सके। अब प्रश्न आता है, ये प्रश्न कठिन है, प्राण तत्व को जानना, उसको अनुभव करना और उसका नियमन करना, लेकिन आप ब्रह्मनिष्ठ हैं इसीलिए आप इसके अधिकारी हैं, इसीलिए आपको बताने लायक है, नहीं तो हम नहीं बताते आपको। इसका मतलब इस विद्या को जानने के लिए ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। ब्रह्मनिष्ठ क्या है? गायत्री का जो पहला अक्षर है तत्, ये ब्रह्मनिष्ठ की व्याख्या करता है। ये ब्रह्मनिष्ठ को ही अधिकार है प्राण के बारे में जाने, प्राण का नियंत्रण करे, प्राण का नियमन करे, तभी प्राण से त्राण कर पाएगा वो। तत् क्या कहता है? तत् तो ज्ञानस्तु विद्वांसु ब्राह्मणा स्व तपो बलई अंधकारम अपाकुरियो लोकात अज्ञान सम। तीन गुण ब्राह्मण के होने चाहिए। जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म के प्रति निष्ठा रखने वाला, तीन गुण। पहला गुण क्या है? तत्व ज्ञानस्तु, तत्व ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी पहला गुण। तत्व ज्ञानस्तु विद्वांसो, विद्वान होना चाहिए। विद्वान कौन होता है? पुस्तकें पढ़ने वाला और बढ़िया बोलने वाला, लच्छेदार सूत्रों को बताने वाला विद्वान नहीं होता है। विद्वान की परिभाषा दी गई है वेदास छंदांस सवितुर्वरेण्यम। जो ज्ञान को आत्मसात करके अनुभवजन्य ज्ञान लाता है वो विद्वान है। तथ्यों को जानना, समझना और उसको आत्मसात करके बोधत्व को प्राप्त करना विद्धातु से बना हुआ है।
इसका मतलब कि उसको आत्मसात करना पड़ेगा, विद्वान के अंदर समर्पण आना चाहिए, और जब तक पूरी तरह समर्पण नहीं आएगा, ज्ञान की पराकाष्ठा पर जाएगा, समर्पण आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा गुण क्या है? तत्व ज्ञानस्तु विद्वांसु ब्राह्मणास्व तपोबलैः, तपोनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि तपोनिष्ठ जो होगा वही आत्मबल संपन्न हो सकता है। और चूंकि ये आत्मा को जानने का विषय है, प्राण को जानने का विषय है, और आत्मा को कैसे जाना जाता है इसका सूत्र कई बार चर्चा में आया है उपनिषदों की, कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन इमे वैश वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणते तनुस्वा। प्रवचन से, कथा से, बहुत सुनने पढ़ने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा की प्राप्ति के लिए जब हम उसके लिए बेचैन हो जाएंगे, और सिर्फ दो रास्ता, अंतःकरण को पवित्र करते हुए पात्रता का विकास करने की जब साधना करने लगेंगे, तो एक स्थिति आने के बाद जब हमारी बेचैनी और हमारी पात्रता पराकाष्ठा पर पहुंचेगी, तो वो आत्मा अपना स्वरूप स्वयं साधक के सामने ओपन कर देती है, अनावरण कर देती है, वहां पर बोधत्व की प्राप्ति हो पाती है। अब प्रश्न आता है दूसरा, विनायम आत्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमादात तपसो वाप अलिंगात, ऐसे तपस्वियों को भी नहीं मिलता है जो अलिंगी हैं, जो विवेक सम्मत तपश्चर्या नहीं कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो आत्मबल संपन्न नहीं हो सकते हैं तपस्वी। तो आत्मबल संपन्न होना चाहिए, आत्मिक प्रखरता होनी चाहिए, और ये तीनों गुण जब आता है तो इसका मतलब कि हमारी प्रज्ञा प्रखर हो, हमारी कर्म निष्ठा प्रबल हो, और हमारा श्रद्धा समर्पण सजल हो। तो प्रखर प्रज्ञा, प्रबल निष्ठा और सजल श्रद्धा, इन जब तीनों का संयोग बनता है, उसी को प्रज्ञा योग बोलते हैं, वही ब्रह्मनिष्ठ होता है। तो हमको इस चेतना तक पहुंचने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, उस स्तर तक की साधना करनी पड़ेगी, उसी को ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं, वही साइंस को जान सकता है। नहीं तो कथा कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वहीं तक हम सीमित रह पाएंगे, इसके लाभ को नहीं ले पाएंगे। तो अब इस पर अगर हम चलें, तो जो पूरे इस एपिसोड में आया है, वो आया है कि शरीरगत प्राण और जो बहिर्गत प्राण है, व्यष्टि के अंदर और समष्टि के अंदर, दोनों के बारे में चर्चा आई है, और उसकी उत्पत्ति हुई है कि आत्मा ही इस प्राण को उत्पन्न करता है, आत्मा ही उत्पन्न करता है, और चूंकि आत्मा उत्पन्न करता है प्राण को, तो प्राण एक राजा की तरह से काम करता है। उस प्राण के स्वरूप क्या है, कौन कौन से प्राण हैं, उसके अधिकारी कौन से हैं, और उसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, उसका नियोजन प्राण का कैसे होता है, इस जीवन चक्र को चलाने के लिए, इसको जब हम समझ लेंगे और समझ करके अपनी भ्रांतियों को दूर करेंगे, इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और नित्य नैमित्तिक कर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से अपनी भ्रांतियों को दूर करके सतत लाभ लेना पड़ेगा, तब हम जाकर के इसको आत्मसात कर पाएंगे, और फिर प्राण का नियंत्रण और नियमन कर पाएंगे। और यही गायत्री साधना है। सिर्फ मंत्र जप गायत्री साधना नहीं है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट लिखा है, प्रारंभिक स्तर पर, शुरुआती दौर में
गायत्री मंत्र के जप का माध्यम सिर्फ यही रहता है कि हमारी अंतःकरण की मनोभूमि परिष्कृत हो, ताकि इसमें हम इन सब चीजों का बीजारोपण कर सकें और इसका लाभ ले सकें। अपने हर बच्चों से उनको उम्मीद है और इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब उनके बच्चे हैं। ऋषि सत्ता अपने आप को समर्पित कर दी पूरी तरह से, उसको हमको समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम ये देखें कि वो प्राण जो है, जो इसके अंदर आया है, वो प्राण एक तो इस जीवन का आधार है और साथ साथ अपने सहयोगियों को उनका असाइनमेंट भी डिप्यूट करता है। उनके सहयोगी कौन कौन है, इस शरीर के अंदर उनका क्या कार्य क्षेत्र और व्यापार है, उसका नियमन कैसे किया जाए प्राण का, इन सब पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके क्षेत्रों पर चले जाते हैं कि क्षेत्र क्या उसके हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जो प्राणमय कोष होता है उसमें आप ये देखें कि प्राण आत्मा जब प्राण को पैदा करती है तो उसके दो स्वरूप, एक जड़ात्मक है एक चेतनात्मक है। जड़ से पदार्थ बना, उसी से भौतिकता आई, संसार का निर्माण हुआ और उस संसार को गवर्न भी प्राण, चेतना का स्वरूप जो उसका है वो उसको गवर्न कर रहा है। इसलिए जो चेतना का स्वरूप है उसको प्राण बोलते हैं और जो भौतिकता का स्वरूप प्राण का है उसको रही बोलते हैं। एक रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेट कर रहा है, गवर्न कर रहा है, नियामकत्व कर रहा है और दोनों को हमको लेके चलना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, वो प्राणायाम जड़ात्मक कर रहे हैं, वो सिर्फ शरीर को कुछ हद तक लाभ देता है, उसमें हम वायु की क्रिया तो करते हैं, शारीरिक अभ्यास तो करते हैं, लेकिन चेतनात्मक अभ्यास की आवश्यकता प्राणायाम में है। उसको करने से भी फायदा मिलेगा। तो प्राण जो है वो चेतना का विषय है और वायु जिसमें हम ऑक्सीजन और CO2 की बात कर रहे हैं ये जड़ है। तो जो जड़ात्मक प्राण आया है इससे इन सब का निर्माण, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड दिस दैट का निर्माण हो रहा है। तो हम वायु को खींचेंगे, वायु का अभ्यास करेंगे तो उसको हम शरीर तक ही सीमित रख सकते हैं, लेकिन शरीर के आगे की जो साधना होती है, जो चेतना का विषय है, उसमें फिर फायदा नहीं करता है। और यही प्राण का नियमन, प्राण की एक्सरसाइज, चेतना का एक्सरसाइज प्राणायाम के माध्यम से होता है। तो उच्च स्तरीय जब साधना में हम लोग अपने आप को प्रवृत्त करते हैं तो सिर्फ प्राणायाम ही एक ऐसा है कि जो हमको हर स्टेज तक ले जाता है और ब्रजत ब्रह्मलोकम तक की यात्रा कराता है। जो गायत्री मंत्र का प्रतिफल होता है उसको अथर्ववेद में बताया गया है, उसमें गायत्री मंत्र की चर्चा नहीं आई है। तीनों वेदों में गायत्री मंत्र की चर्चा है भिन्न भिन्न रूपों में, लेकिन अथर्ववेद में अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये छह चीजें सांसारिकता के लिए, कि बहिरंग को सुव्यवस्थित करने के लिए इन छह चीजों की प्राप्ति हमको गायत्री मंत्र के माध्यम से होती है। अगर हम गायत्री की सलाह मानते हैं, परामर्श मानते हैं, प्राण विद्या की परामर्श को अगर हम लेते हैं तो बहिरंग की साधना में ये छह चीजें मिलती हैं। उसी से बहिरंग हमारा सुविकसित होता है और सुव्यवस्थित होता है। और सातवां चीज ब्रजत ब्रह्मलोकम, कि जहां से न पुनरावर्तते, वापसी की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती है और जिसलिए हमने इस मनुष्य शरीर को धारण किया है वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो आनंद के साथ अपने जीवन को कैसे जिए और गर्व के साथ उस स्तर पर ले जा करके दोबारा लौटने की आवश्यकता ना पड़े, तब हम अपने गुरु के प्रति एक प्रखर निष्ठा रख पाएंगे। अपने बच्चों से उनको यही उम्मीद है। तो इसलिए
आप ये देखें कि एक चेतना और एक जड़ दोनों का जब सामंजस्य बैठता है तो प्राण का नेचर गर्म भी है और वायु शीतल भी हो जाती है, तो दोनों का जब संयोग बनता है एक टॉर्नेडो क्रिएट होता है, एक भंवर बनती है। गर्मी के सीजन में हम लोग देखते हैं कि वायु में भंवर आती है, भंवर का शेप कैसा होता है, कोन की तरह से होता है, कुंभ की तरह से होता है, ऊपर चौड़ा होता है और नीचे जो है वो तो पतला हो जाता है कोन की तरह से। तो जो चौड़ा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अस्तर, और जो नुकीला पोर्शन नीचे बनता है उसको बोलते हैं बिंदु। एक अस्तर होता है, दूसरा बिंदु होता है। तो जो अस्तर वाला होता है प्राण उसको महाप्राण बोलते हैं, और जो बिंदु नीचे बन रहा है टॉर्नेडो की तरह से जब मूवमेंट होता है, जब हम साधना करते हैं प्राण की, क्योंकि उस यात्रा को पूरी करनी है, तो अस्तर और बिंदु दोनों को समझना पड़ेगा। इसका मतलब प्राण को भी समझना पड़ेगा और लघु प्राण को भी समझना पड़ेगा। और एक को बोलते हैं ओजस, जो मुख्य प्राण है, तो दूसरा होता है रेतस। और ओजस और रेतस ये दोनों मिल करके ही अपना काम करते हैं। तो सूत्र क्या दिया है गुरुदेव ने, पंच भिस्तु महाप्राणी लघु प्राणी च पंच भी, और एत ही प्राण मजह कोसो जातो दशभिर उत्तमम। पांच महाप्राण हैं जो अस्तर पर हैं, कोन के ऊपरी सरफेस पर, और पांच उनकी सहयोगी की भूमिका में बिंदु पर रहते हैं, कोन के पॉइंट पर, जिनको लघु प्राण कहते हैं। तो प्राण स्रोत भी है और एक मुख्य प्राण की भूमिका भी निभा रहा है और अपने चार सहयोगी और बना रहा है। वो चार सहयोगी कौन है, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है ब्यान उदान, और पांचवा है ब्यान। ये पांच मुख्य प्राण हो गए जिनकी चर्चा अभी प्रश्नोपनिषद के इस प्रश्न में आई है कि प्राण अपान समान उदान और ब्यान। प्रश्न लास्ट में रखा जाएगा, प्रश्न का सेशन जरूर है तो उसको लास्ट में ही, और बाकी आप प्रश्न डालते जाएं चैट में तो उस पर चर्चा लास्ट में कर लिया जाएगा, ताकि क्लास जो है अभी निर्बाध रूप से आगे चलती रहे। तो ये दोनों मिल करके, अब इनके सहयोगी कौन कौन से हैं, प्राण का सहयोगी है नाग, अपान का सहयोगी है कूर्म, समान का सहयोगी है क्रिकल, और उदान का सहयोगी है देवदत्त, और ब्यान का सहयोगी है धनंजय। तो पांच प्राण और पांच उपप्राण ये दोनों मिल करके टॉर्नेडो की भांत काम करते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं चेतना का। और इनके स्थान तो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन फिर भी सेंट्रलाइज कुछ पॉइंट्स पर प्रभावी ज्यादा होते हैं। आप ये देखें कि जो प्राण है उसको हम हृदय क्षेत्र में, जहां अनाहत चक्र की बात करते हैं, वहां पर सोलर प्लेक्सस है, वहां पर हम आकर्षित करते हैं प्राण को, और वहीं पर प्राण और नाग ये दोनों काम करते हैं। और जो अपान है उसका क्षेत्र जो है मूलाधार के आसपास है, वहीं पर उसका सहयोगी कूर्म है, वो दोनों के साथ मिलकर के अपना काम करते हैं। और दोनों के बीच में समान वायु है जो नाभि क्षेत्र में आती है और वो पचन पाचन का काम करती है, जठराग्नि को पैदा करती है, और उसके रस को निकाल करके पूरे शरीर में विस्तार करती है, फैलाती है। उसके बाद आता है उदान, उदान का क्षेत्र दिया गया है कंठ क्षेत्र में, और ये हमको सौभाग्य प्रदान करती है, उसका सहयोगी देवदत्त है। और व्यान, व्यान हमारे सहस्रार में होता है, उसे पूरे शरीर में व्यान व्याप्त होता है, व्यापकता की वजह से इसको व्यान बोलते हैं, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा त्रिकुटी में होता है, मस्तिष्क मध्य में होता है, और इसका सहयोगी धनंजय होता है। तो ब्यान को कृष्ण बोलते हैं, धनंजय अर्जुन,
अर्जुन और कृष्ण की जो जोड़ी काम करती है वही काम व्यान और धनंजय करते हैं। धनंजय एक ऐसा प्राण है कि प्राण के निकलने के बाद भी धनंजय रहता है और शरीर को डिकम्पोज करने का काम धनंजय का ही होता है। अब ये देखें इनका काम क्या है। जो प्राण होता है, प्राण का जो मुख्य काम होता है वह हृदय की गति को चलाना, पंपिंग करना, ताकि हमारे शरीर की सारी क्रिया विधि चलती रहे, सुसंचालित होती रहे। और जितनी भी क्रियाएं हमारी है, चाहे वो श्वसन की हो, चाहे वो हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन की हो, ये सारी चीजों का जो मेन पॉइंट है वो प्राण का है। वह नाग अपने सहयोगी के साथ में इस काम को संपन्न करता है। उसके बाद अपान का काम क्या है कि जो विष तत्व तो इतनी सारी क्रियाओं से शरीर में पैदा हो रहा है, हमारे विचारों से पैदा हो रहा है, शरीर की क्रियाओं से पैदा हो रहा है, उस मल को, उस विष को, उस विजाती तत्व को शरीर से बाहर अगर नहीं निकलेगा तो विषाक्तता की वजह से शरीर समाप्त हो जाएगा। ये अपान का काम है। समान का काम क्या है? समान क्रिकल के साथ में, अपान के साथ में जो कूर्म है, इसका एक काम और है कि जो काम सुख होता है उसमें अपान का साम्यता बहुत प्रभावी होती है। और अगर दंपत्ति में अपान साम्य हो तो जो हमारी संतति पैदा होती है उनकी सुंदरता, उनके व्यक्तित्व में नुखार, उनकी बुद्धिमत्ता, ये सब प्रबल हो जाती है। और दाम्पत्य सुख के लिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है वो अपान होता है। इनकी साधनाएं करनी पड़ती हैं और ये सारी साधनाएं गायत्री साधना में आती है, प्राण की साइंस में आती है। समान का काम क्या है? समान पाचन का काम करता है। जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसको पचाता है, रस बनाता है, अन्न के रस को निकाल करके पूरे शरीर में फैलाता है। ये काम समान का है। और समान का जो सहयोगी है वो क्रिकल है। तो समान का नेचर पित्त का होता है और क्रिकल का नेचर कफ का होता है। और पित्त और कफ, समान और क्रिकल के बीच में अगर सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो वात की उत्पत्ति होती है। और इन्हीं तीनों से, वात पित्त कफ के मिसमैचिंग से शरीर की सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने का जो काम है वो समान के जिम्मे है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर के स्वास्थ्य को भी ठीक रखते हैं, मन को भी शांत रखते हैं, प्रज्ञा को भी हम बढ़ाते हैं, श्रद्धा भी सजलता की तरफ बढ़ती है। ये सारी साधनाएं प्राणायाम से होती हैं। सबसे प्रभावी साधना प्राणायाम की होती है। उसके बाद उदान प्राण क्या करता है? उदान का जो मेन स्थान है, उदान का सहयोगी देवदत्त है। और देवदत्त आध्यात्मिकता का गुण रखता है। इसका स्थान कंठ क्षेत्र है, विशुद्धि चक्र है। और स्त्री और समृद्धि, जो कुछ भी हमको सिद्धियां रिद्धियां मिलती हैं ये दोनों के परिणाम स्वरूप मिलती हैं। इनकी साधना करनी पड़ती है। सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चल पाता है। तो रिद्धियां और सिद्धियां दोनों को देने वाला देवदत्त है और उदान प्राण है। ये प्राण की गति को ऊपर करता है, उठाता है, इसलिए उसको उदान बोलते हैं। ऊर्ध्वगामी करता है हमारे प्राण को। अब पांचवा प्राण व्यान आता है। व्यान हमको ब्रह्मनिष्ठ की तरफ ले जाता है। आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, और ये हमको योगस्थ बनाता है, प्रज्ञा संपन्न बनाता है। स्थित प्रज्ञता लाने का काम व्यान का होता है और यही व्यापकता में फैलता है। तो एक तो ये हो गया, ये व्यष्टि प्राण के बारे में हो गया। और अगर हम समष्टि प्राण को ले लें तो समष्टि प्राण में प्राण का स्रोत आदित्य को माना गया है। कल चर्चा आई थी सविता के तीन रूप, सविता, आदित्य और सूर्य।
सविता सर्वभावानाम सर्वभावान प्रसूयते, सर्व सविता सर्वभूतानाम सर्वभावान प्रसूयते, और प्रणनाथ सवनाथ चैव तेन सविता चोचते। इसका स्रोत जो बहिरंग का पूछा गया प्रश्न, उसमें आदित्य ही उसके लिए जिम्मेदार है। और द्युलोक आप देखें भूर भुवः स्वः हम चर्चा करते हैं मंत्र में, तो जो स्वलोक है हमारा वो हमारा केंद्र है। द्युलोक, द्युलोक से आदित्य का प्राण आता है। अपान क्या है? पृथ्वी खींचती है अपनी तरफ, उस प्राण को आकर्षित करती है, वो अपान है। वही हमारे शरीर में जब नीचे की तरफ प्राण जा रहा है, अपान प्राण बोलते हैं, अपान वायु बोलते हैं कि अपान वायु निकल गई, पृथ्वी का आकर्षण होता है। और देवलोक के और पृथ्वी लोक के बीच में अंतरिक्ष लोक हमारा है, इसमें समान रूप से प्राण फैल गया है, इसलिए समान प्राण आ गया। और चूंकि व्यापकता है इस प्राण की, पूरे समष्टि में भू भुवः स्वः तीनों में फैला हुआ है, इसीलिए ये व्यान है। तो जब समष्टि प्राण की हम चिंता ध्यान करते हैं तो इस स्वरूप को लेते हैं। और प्राणाकर्षण प्राणायाम जो किया जाता है, प्राणायाम की भी बात चलेगी, उसमें प्राण को हम आकर्षित बाहर से करते हैं, आदित्य से करते हैं। अपने प्राण को प्रखर बनाने की साधना करनी पड़ती है प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो इसीलिए व्यष्टि प्राण को भी जानना जरूरी है, समष्टि प्राण को भी जानना जरूरी है। और वही प्राण जो पूरी तरह से व्याप्त है तीनों लोकों में, वही अगर जब तेजस संपन्न हो जाता है तो फिर मन को ऊर्ध्व लोकों में मन के संकल्प के अनुसार इस जीवात्मा को विभिन्न लोकों में स्थापित करता है। इसी सूत्र को अभी महर्षि प्रह्लाद ने बताया है। तो हमको उदान की भी साधना करनी है, ज्ञान की भी साधना करनी है, समान की, अपान की, प्राण की, सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब हम प्राण संपन्न बन पाते हैं। अब प्रश्न आता है व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण के बाद इसका कार्य व्यापार कैसे चलता है। नाड़ियां, नाड़ियों के बारे में 101 नाड़ियों की चर्चा की गई है हृदय क्षेत्र में, उनकी 100-100 प्रति नाड़ियां हैं, उनकी 72,000 अन्य शाखाएं हैं, इतना विस्तृत जाल इसके अंदर फैला हुआ है सूक्ष्म, प्राण उसी के अंदर प्रभावित होता है। और अब चूंकि 72,000 नाड़ियों की बात आई है, तो जो हमारे ढेर सारे योग ग्रंथ हैं उसमें 72,000 की बात आती है। शिव संहिता में अगर हम जाते हैं, चूंकि ये विषय शिव शास्त्र से संबंधित है, तो शिव संहिता में अगर जाते हैं तो 3.5 लाख नाड़ियों की बात आई है। और अगर इस फार्मूले को लेते हैं तो 72 अरब सेल्स हमारी बॉडी में है और सब एक पावर हाउस है, और सबको यही प्राण ले जाकर के नियोजन करता है, सबकी भरपाई करता है, और सब अपने आप में एक ब्रह्मांड की तरह से है, सबका केयर करना पड़ता है। जब चेतना की गहराई में हम उतरते हैं, साधना रत होते हैं, एक एक कोशिका को हमको प्राण संपन्न बनाना पड़ता है। तो उस नाड़ियों के बारे में हम आए, तो मुख्य मुख्य नाड़ियों पर अगर हम चर्चा कर लें तो प्रमुख नाड़ी तो एक ही है जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना कोई नाड़ी नहीं है, इड़ा और पिंगला का सम्मिलित स्वरूप जो न्यूट्रलिटी में आ जाता है, न इड़ा में जाता है न पिंगला में जाता है, वो सुषुम्ना होता है। वही हमको ऊर्ध्वलोक में गमन कराता है, अधोलोक में भी ले जाता है। और अगर हम मुख्य नाड़ियों की बात करें तो मुख्य 14 नाड़ियों की चर्चा आई है। उस 14 नाड़ियों में कौन कौन सी हैं? सुषुम्ना है, इड़ा है, पिंगला है, हस्तजिह्वा है, गांधारी है, पूसा है, पयस्वनी है, अलम्बुसा है, कुहू है, संखिनी है, सरस्वती है, यशस्विनी है, विश्वधारा है। इस तरह से टोटल जो है 14 नाड़ियां हैं, इनके केंद्र बिंदु बटे हुए हैं। अब इन 14 को अगर हम एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन के रूप में लें
समुद्र से निकले हुए 14 रत्न कह सकते हैं, या इस शरीर के अंदर फैला हुआ 14 भुवन, 14 लोक, जिसमें ऋषि जो रिसर्च करता है वो भ्रमण करता है। 7 हमारे ऊर्ध्वलोक हैं और 7 अधलोक हैं। ऊर्ध्वलोक कौन कौन सा है? जो साधनारत गायत्री के साधक हैं, नित्य नैमित्तिक, उनको साधना करनी पड़ती है और सारे लोकों में जाना पड़ता है। भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महालोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यमलोक। रोज हम प्राणायाम की बात करते हैं और मंत्र तो बोल देते हैं, ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाह, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम तत् सप्तुर्वरेण्यम भर्गो देव धीमहि। सावित्री मंत्र तो पढ़ते हैं लेकिन सावित्री की साधना भूल जाते हैं। तो मंत्रों को पढ़ने से फायदा फिर वही नहीं मिले, वो उतने फायदा होगा कि हाँ, जैसे भिखारी को मिलता है कि 1 चवन्नी, 1000 रुपए भिखारी को हम नहीं दे पाते, उतना फायदा हमको मिलेगा। साधना करनी पड़ती है। उसी तरह से जब अधालोक में जाते हैं हम, तो अधालोक में भी 7 लोक आते हैं। उसमें अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, पाताल है। ये 7 अधालोक, 7 ऊर्ध्वलोक, तो 14 लोकों के लिए 14 नाड़ियों का प्रयोजन की बात आई है। तो इनका हम कम से कम परिष्कार कर लेते हैं। और इनका जो क्रेनियल रीजन हमारा होता है, इसको आज के जो स्टूडेंट समझना चाहते हैं कि बॉडी की एनाटॉमी को जब हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। और इसका चूंकि ध्यान हम क्रेनियल रीजन से करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं, तो इसलिए इसको जानना पड़ेगा। इड़ा और पिंगला, ये हमारी दो, एक ठंडी नाड़ी, एक गर्म नाड़ी, ये दो में पूरी शरीर बटी हुई है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप याद कर लें आप, जिसकी चर्चा कल हुई थी कि इड़ा में 72,000 ले लें और पिंगला में 72,000 ले लें। आधी नाड़ियां इधर, आधी नाड़ियां उधर, गर्म नेचर की और ठंडी नेचर की। सुषुम्ना आती है न्यूट्रल में, जो हमको योगस्थ की तरफ ले जाती है, स्थित प्रज्ञता की तरफ ले जाती है, निश्चयात्मिक बुद्धि की तरफ ले जाती है, समत्वमय बुद्धि, समत्वमय चेतना की बात करती है। अपने को स्थापित करने की साधना सुषुम्ना में जाने की होती है। तो ये बाई नासिका और दाई नासिका, बाई नासिका शीतल होती है, इड़ा की रास्ता है, और पिंगला की दाहिनी नासिका। हस्त जिह्वा दाहिना नेत्र, और गांधारी बायां नेत्र। उसके बाद नंबर आता है कूसा का दाहिना कान, फिर बायां कान, पैस्वनी आलम्बुसा मुख में जाती है, कुहू हमारे जननेन्द्रिय में जाती है, शंखिनी मल द्वार पर जाती है, गुदा द्वार पर जाती है। इनका विभाजन हुआ है, उन उन अंगों पर हम कंट्रोल करते हैं ताकि हम इन जो 10 तरह के प्राण आए हैं प्राणायाम के माध्यम से इनका नियमन करते हैं। तो ये रही नाड़ियों की चर्चा। अब सुषुम्ना को अगर लें, जो मुख्य है साधक के लिए, इन नाड़ियों से शरीर तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, प्राण तत्व भी हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन जब हम मनोमय कोष और उसके आगे की यात्रा करते हैं तो वो सारी यात्राएं ध्यानमय होती हैं, चेतनामय होती हैं। तो जड़ता की साधना तो हमने 2 में कर लिया, शरीर स्वस्थ हो गया और थोड़ा सा प्रतिभा संपन्नता आ गई, लेकिन मनोमय कोष से जहां पर हम आत्मिकी की साधना में प्रवृत्त होते हैं, और मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष में जब जाते हैं हम, जहां पर प्रज्ञा को प्रखरता पर ले जाते हैं, श्रद्धा की सजलता पर जाते हैं, और आनंदमय कोष की यात्रा जब करने लगते हैं, तो वहां पर सुषुम्ना में ही यात्रा करनी पड़ती है। सुषुम्ना के बारे में जानना पड़ता है। एक सुषुम्ना ही एक ऐसी नाड़ी है कि जो सबसे लंबी नाड़ी है और मूलाधार से शुरू होकर के सहस्रार तक जाती है, और बाकी सभी नाड़ियां इस तपह लोक तक ही सीमित हो जाती है, आज्ञा चक्र तक ही सीमित हो, तो वहीं पर हमारी प्रकृति है, उसके बयान प्रकृति का कंट्रोल नहीं है। तो सुषुम्ना के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, भद्रा नाड़ी, चित्रणी नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी। सबसे प्रभावी होती है ब्रह्म नाड़ी। और आप ये देखें कि जो अगर इसको हम फिजिकली समझने का प्रयास करें, तो बॉडी की एनाटॉमी को थोड़ा जानना पड़ेगा कि ध्यान का केंद्र बिंदु हमारा मस्तिष्क है, जिसको क्रेनियल रीजन बोलते हैं, और हमारे जो 33 कोटि देवता की कल बात आई थी, वो हमारा स्पाइनल कार्ड है। तो स्पाइनल कार्ड के अंदर जो हमारा खाली जगह है, वो खाली नहीं है,
उसके अंदर और जो मस्तिष्क में हमारे व्हाइट और ग्रे मैटर हरा पड़ा हुआ है उसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, और दोनों के अंदर सेम है और दोनों मेडुला ऑब्लिगेटा से ये संयुक्त होती है। और वही चीज अगर हमारा मस्तिष्क देख ले तो मस्तिष्क को भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, और पीछे जो सुपर कॉन्शियसनेस की बात चल रही है उच्च स्तरीय साधना में जब हम जाते हैं प्रज्ञा संपन्न और श्रद्धा संपन्न होते हैं तो ऑसिपिटल लोब की बात करते हैं, सुपर कॉन्शियस लेवल की बात करते हैं जहां पर हम गायत्री की साधना करते हैं। और गायत्री साधना में दो ही साधनाएं आई हैं, एक कुंडलनी जागरण जो सावित्री साधना है और दूसरी गायत्री साधना पंचकोशी साधना, और दोनों को गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया, इतना सिंपल कर दिया है कि उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है, ये बहुत ही आसान सरल और सबके लिए सुलभ है, बालक भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, नर भी कर सकता है, नारी भी कर सकती है, गृही भी कर सकता है, विरागी भी कर सकता है, और सबको जाना उस रास्ते पर है, इतना सरल बना दिया है, और इसके बिना दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। इसी को हम अलंकारिक शैली में जब बात करते हैं तो शिव और शक्ति की बात करते हैं। जितनी भी पौराणिक शैली हमारी है, शिव मंदिरों की स्थापना हुई है, उसको समझने की आवश्यकता है। शिव मंदिर गए और दूध चढ़ा के आ गए, ये अभिषेक कर लिए, जल चढ़ा दिए, लेकिन उसके तत्व को अगर नहीं समझ पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। उसको समझने की आवश्यकता है, क्या है रुद्राभिषेक, रुद्र की चर्चा आई है, रुद्र प्राण है, उसी प्राण की साधना करना, उसी का अभिषेक करना है, उसी को प्रखर बनाना है हमको। और इसी को अगर हम वेदांतिक शैली में बात करते हैं तो शिव को सोम बोलते हैं और शक्ति को अग्नि बोलते हैं। तो जो शिव और शक्ति की उपासना होती है वही जो वेदांती है वो अग्नि और सोम यही यज्ञ होती है। तो हम नियमित यज्ञ करें, हम भी करते हैं, लेकिन यज्ञ के साथ में अगर चेतना को हम जोड़ लेंगे तो ये भी साधना पैरेलल में चलती रहेगी। तो चूंकि हमको लग रहा है कि अरविंद शर्मा साहब अभी घड़ी पर आ जाएंगे जी, तो शिव शक्ति और सोम और अग्नि की साधना यही साधना है जिसकी चर्चा इसमें आई है, उसी के माध्यम से हम इस प्राण को प्रखर करते हैं, प्रज्ञा संपन्न होते हैं, और ध्यान की गहराई में जाने पर श्रद्धा हमारी सजल होने लगती है, और बिना प्रबल निष्ठा के, बिना क्रिया किए, बिना साधना किए अगर हम ये चाहें कि सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लें तो उससे वाणी का विलास तो हो सकता है, उससे प्राण संपन्नता नहीं आ पाएगी, वाणी में हमारे ओज नहीं आएगा। ओजस, तेजस और वर्चस तीनों की अगर प्राप्ति करनी है तो प्राण की साधना करनी ही पड़ेगी, गायत्री साधना करनी ही पड़ेगी। इसीलिए गायत्री को ब्रह्म के समकक्ष रखा गया है, गायत्री ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गायत्री है। तो इसी की चर्चा आज इस कक्षा में हुई है, तो हम समझ रहे हैं कि और चर्चा न करके अगर हम सीधे प्रश्नोत्तरी पर आ जाएं तो वो ज्यादा होगा कि हम तो अपना अड़ बड़ल जो भी हमारे समझ में आया सब बोलते गए, लेकिन लोगों को क्या चाहिए उस पर जब तक चर्चा ना हो तो सब बेकार है। तो हम समझ रहे हैं कि समय भी लगभग समाप्त हो गया है, तो अगला और कोई विषय न लेकर के इसी पर हम लोग चर्चा कर लें तो कुछ इसका लाभ उठाया जाए। ठीक है आदरणीय सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने एक मिनट पूर्व भी अपनी कक्षा समाप्त कर ली है, तो हम प्रश्न काल ले लेते हैं। पहला प्रश्न तो आशीष कुमार गुप्ता जी का है, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम ले लीजिएगा। गायत्री द्वारा प्राण के त्राण में, गायत्री द्वारा प्राण के त्राण में त्राण का क्या अर्थ है, लीजिए था प्राण और त्राण। प्राण का, त्राण का मतलब होता है प्राण के ऊपर नियंत्रण, प्राण को नियंत्रित करती है गायत्री, क्योंकि गायत्री प्राण की विद्या है। गायत्री को गुरुदेव ने बार बार कहा है ये कोई देवी देवता नहीं है, वो तो चूंकि एक श्रद्धा बनाने के लिए गुरुदेव ने एक फोटो बनाया ताकि हमारे बच्चे उस दिशा में चल सके,
और चल करके उसको समझ सके। और ये साइंस शुद्ध साइंस है, प्राण का विज्ञान है, इसीलिए इसको गायत्री साइंस कहा गया है। और गुरुदेव ने जो पहला ग्रंथ रचा, विश्व की 2000 ग्रंथों का गहन अध्ययन करके, आत्मसात करके, ज्ञान की पराकाष्ठा, तप की पराकाष्ठा पर जा करके उस ग्रंथ का नाम गायत्री महाविज्ञान रखा, सुपर साइंस है। तो सुपर साइंस को समझने के लिए अगर साइंस का बैकग्राउंड हमारा है तो ज्यादा अच्छा होगा। हम बॉडी के एनाटॉमी को भी समझें, ग्रंथों के भाव को भी समझें, ताकि जो ग्रंथों की लैंग्वेज है उसको हम अपनी टर्मोलॉजी में ट्रांसफॉर्म करके उसका लाभ ले सके। तो प्राणों के ऊपर नियंत्रण, इसका मतलब कि जो कि आदित्य की साधना हम कर रहे हैं, सविता की साधना कर रहे हैं, सूर्य की साधना कर रहे हैं, और सविता ही प्राण का स्रोत है, तो प्राणों का नियमन हम कर सकते हैं और प्राण की प्रखरता को बढ़ा करके अपने सारे कुसंस्कारों को जला के राख करके और सुसंस्कारों को डेवलप करते हुए आत्मा तक की यात्रा करते हैं। और यही उद्देश्य है, यही प्राण का त्राण है, इसी को गायत्री का त्राण बोलते हैं। प्राण का त्राण मतलब गायत्री। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी लोग प्रश्न पूछते हैं अपना वीडियो खोल लिया करें ताकि मालूम पड़ जाए कि उनका फोटो भी हम लोग देख लिया करेंगे। एनीवे, अब और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास आर एन पांडे साहब लिख रहे हैं, शिव शक्ति सोम अग्नि बहुत सुंदर। शिव शक्ति सोम सत्य, फिर सर यही चर्चा आई है, क्योंकि शिव शक्ति जब पौराणिक बातें हम लोग करते हैं तो शिव शक्ति का मैटर आता है। और उस पर आप देखें कि गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में बहुत अच्छा लिखा है कि सर्वा आप प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्त ही माध्यमेन च यस्यास्तम जीवन स्यात्र दर्शन। जीवन के गूढ़ रहस्यों का हम दर्शन कर सकें, समझ सकें, उसके माध्यम से भांत भांत की पाठ्य पुस्तकें बनाई गई हैं जो प्रतिमा के रूप में है। वो प्रतिमा चाहे हमारी फोटो की हो, चाहे हमारी ध्यान की हो, चाहे हमारे शिवलिंग की हो, चाहे मंदिरों में स्थापित पत्थर की हो, चाहे कागज की हो, चाहे किसी स्वरूप में हो, ये पाठ्य पुस्तकें हैं। और इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इनके माध्यम से हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सके। तो शिव शक्ति की उपासना आप देखें कि हर व्यक्ति शुरू कहां से करता है, गणेश की उपासना। तो गणेश की उपासना का हमको सार समझना पड़ेगा कि विवेक, गायत्री मंत्र क्या है, विवेक हमको दीजिए। अगर कुछ देने की चीज, मांगने की चीज परमात्मा से है तो विवेक ही मांगने की चीज है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर विवेक आ जाएगा तो हम सतमार्ग पर चल पाएंगे। और ये विवेक कहाँ है, शिव शक्ति का है, कि शक्ति का शिव के साथ में जब संयोग बनता है तो दो पुत्र पैदा होते हैं, एक खडमुखी कार्तिकेय देवसेना का सेनापति, और दूसरा एक बहादुर पैदा हो रहा, दूसरा विवेकवान पैदा हो रहा है, गणेश। और दोनों पूजनीय है, शक्ति भी हमको चाहिए और ज्ञान भी हमको चाहिए। और सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ज्ञान की दो शक्ति धाराएं यहां पर हो रही हैं, एक रिद्धि और एक सिद्धि, एक ज्ञान एक कर्म। दोनों के ऊपर जब विवेक बैठता है तो उसे दो लाभ मिलते हैं। दो पुत्र हैं रिद्धि और सिद्धि के, एक शुभ और एक लाभ। लाभ सांसारिक जगत के लिए, शुभ आत्मिक जगत के लिए, एक शांति और दूसरा विकास। तो जीवन में दो ही चीज हर आदमी चाहता है, कि हमारा विकास भी हो लेकिन शांति भंग ना हो। तो शांति आंतरिक गुण है, विकास बहिरंग का गुण है। अंतःकरण परिष्कृत हो, बहिरंग सुव्यवस्थित हो, यही तो हमारा उद्देश्य है जीवन का। शिव शक्ति की उपासना से ही आता है। और वही चीज अग्नि और सोम के जब मिलन से दोनों दो विपरीत धाराएं हैं, दोनों को मिलाया जाता है, और यही प्राण का नेचर है जी। आगे चले सर, चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं, आप देखिए किसका प्रश्न आगे आप देख लीजिएगा। राजेश कुमार गुप्ता जी का है कि प्राण सर क्या प्राणायाम सीधे जमीन पर बिना आसन आदि के बैठकर किया जा सकता है? करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी का हम कहीं पर अर्थ लेते हैं तो चूंकि अभी चर्चा में आया है कि पृथ्वी के अंदर जो है खींचने का गुण है,
ज्ञान को खींच लेती है, तो उसके माध्यम से जहां अर्थ हुआ तो बॉडी चार्ज होती है, क्योंकि उसमें चेतना में आप रहते हैं और चेतना में एक का नेचर पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होता है, तो अर्थ कर जाएगी तो उसका लाभ हमको शरीर में पूरा नहीं मिल पाएगा। तो 100 रुपए का करेंगे तो 5 रुपए का हो सकता मिल जाए, 95 तो चला जाएगा। इसीलिए रहता है कि जब भी प्राणायाम कर रहे हैं तो एक आरामदेह आसन भी हो आपका, ताकि ध्यान केंद्रित करें, और उसका आइसोलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राण जो है इलेक्ट्रिसिटी है, चेतन ऊर्जा है। और अभी जो बात आई है कि प्राणायाम करने से फायदा क्या क्या होता है, क्रेनियल रीजन में अगर हम करते हैं तो इंसेफेलस है, तो जो डिफरेंट पैटर्न्स हमारे बनते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के और जो वॉलंटरी मोटर सिस्टम है, ये दोनों के बीच में सेंसरी नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी के पैटर्न को ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से माइंड की चीजों का अध्ययन होता है, हार्ट जो पंपिंग करता है वो बिजली जनरेट कर रहा है कार्डियक से, इसलिए उसको ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसी तरह से हमारी मसल्स में जब स्पंदन होता है ईएमजी जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम। इसी तरह से आंख में जो आग आती है, हमारी प्राण आता है, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोनेजोग्राम। तो बॉडी के हर पार्ट से बिजली जनरेट हो रही है, और इस बिजली का हमको नियमन करना है, क्योंकि प्राण का त्राण करना है, प्राण पर नियंत्रण करना है। तो जो प्राण हम आदित्य लोक से ले रहे हैं, भीतर से उसको आग की तरह पैदा कर रहे हैं, उसको सस्ते में न जाने दें। और चूंकि ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, चेतना का है। और ये गैलेक्सी J7 नहीं, में नाम थोड़ा लिख देना। नहीं, ये जो भी लोग प्रश्न पूछते हैं वो अपने वीडियो को ऑन कर लिया करें प्लीज, मालूम नहीं पड़ता कि वो किस प्रश्न उनके समझ में भी आ रहा है, उनकी माइक ऑन करके पूछे तो थोड़ा आसान रहेगा, बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ा है कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, पता नहीं प्रश्न पूछने का कहीं चले तो नहीं जाते। कोई नहीं। तो ये गैलेक्सी J7, हां यस यस, तो अगर आप प्रश्न पूछ लें थोड़ा आसान रहेगा। हां यस यस, थोड़ा दिखाई दे ना थोड़ा सा, आप किसका प्रश्न देखिए सर। सिंह भाई साहब का अध्ययन इतना गहरा है कि एक शब्द ध्यान से सुनना पड़ता है, हमारी तो मोबाइल पर बैटरी बैठ रही थी, इसलिए हमें ही हाथ आया था अरविंद शर्मा जी को इस अच्छा अध्ययन के लिए प्रेरित और सामान्य विद्वान बनाने के साध्या साधना और इससे भी गायत्री साधना चले। सर बाबू जी प्रणाम, शिवाभिषेक से कैसे लाभ प्राप्त करें? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आदरणीय आचार्य वीरेंद्र जी ने पूछा है। आचार्य जी देखें, आजकल चूंकि समय चल रहा है कि शिवाभिषेक, तो शिव अभी आप देखें कि जहां पर अग्नि और सोम के मिलने की बात आई है वेदांतिक शैली में, शक्ति गर्म है, शिव ठंडा है, तो ठंडी को गर्मी से अगर मिला रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा शिवत्व तो हमेशा शीतल चंद्रमा की तरह होना चाहिए। आग और पानी को मिलाने की क्रिया है, यही कुंडलनी जागरण है। तो जो रुद्राभिषेक करते हैं, तो रुद्राभिषेक या शिवाभिषेक जब भी करें तो उसको हम लोग पहले तो खुद समझ लें, उसके बाद हम लोगों को भी समझाएं। और जो अभी शिव साइंस है, शिव शक्ति का, आप देखें कि उसके अंदर शिवलिंग स्थापित रहता है, और शिवलिंग स्थापित जो अर्घा रहता है उसका जो स्वरूप हमारा है कि मूलाधार में हमारी कुंडलनी सोई हुई है, जो हमारी ऊर्जा है अधोगामी की तरफ बढ़ रही है, उसी ऊर्जा को उठा करके हमको शिव की तरफ ले जाना है, शस्त्रार्थ पर शिव स्थित है। और उसको 3.5 फेरा की बात आई है, एक सर्पिणी के रूप में 3.5 फेरा लपेट करके उसका मुख अधोगामी है, नीचे है, और वो विष निकालती रहती है, ये प्रतीकात्मक है। 3.5 लपेटा क्या चीज है? 3.5 लपेटा का मतलब ये होता है कि वासना, तृष्णा और अहंता, ये हमारे 3 महाशत्रु हैं, और यही ये तीनों जो है हमारे मूलाधार में हमको लपेट के रखे हैं। और 3.5 का क्या मतलब हुआ? जो 1/2 फेरा होता है, कभी कभार हमारी इच्छा जगती है कि चलो कुछ आत्मकल्याण की बातें कर लें। जब संसार के थपेड़ों से लहूलुहान हो जाते हैं,
रास्ता भागने का नहीं मिलता है तो उस समय हम ज्ञानी बनने चलते हैं, इसलिए आधा फेरा लपेट दिया गया है। और वहां से उसको जागृत करके उस आग को, जो आग नीचे है जिसको हम रोज साधना करते हैं, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृत पूर्ते सघुम श्रेजथा मयम चास्मिन सद्धत्ते अद्धुतरश्मिन विश्व देवा यजमानस्य सिद्धति। उस आग को नीचे से उठा करके अभिषेक कराना है शिव से, उसका ये प्रतीक है। और शिव के ऊपर शीतल चीजें डाली जाती हैं, ज्ञान, ज्ञान ही सबसे शीतल है। तो जब भी हम अग्नि के साथ खेलवाड़ करें तो ज्ञान संपन्न हो, अग्नि का सुनियोजन प्रॉपर होना चाहिए। प्राण को आपने जागृत कर लिया, अब प्राण का सुनियोजन कैसे करना है, किस डायरेक्शन में उसको ओरिएंट करना है, अगर ये कला हम नहीं सीख पाए तो ऐसी स्थिति में फिर अधोगामिता की तरफ जाएगी। तो जब भी हम शिव का अभिषेक करें, इस अभिषेक को समझें हम कि जिस पर हम चढ़ाते हैं, ये भी चढ़ा दिए वो भी चढ़ा दिए, उसके महत्व को समझें, उसमें मधुरता आनी चाहिए, शीतलता आनी चाहिए, दुग्ध के अंदर स्निग्धता आनी चाहिए, ये सारी चीजें हमको अपने ज्ञान के माध्यम से आचरण में ला करके उसका शिवाभिषेक करना है। और अगर स्थूल रूप में कर रहे हैं तो सबको समझावें कि आज की स्थिति में जो कुछ भी शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, शिव सबसे बड़े योगी थे, उस पर क्या चढ़ाया जाता है, बेलपत्र, तो बेलपत्र में पूरा का पूरा बेलपत्र का पेड़ ही नाम डाल दें, एक बेलपत्र चढ़ा करके, और जो आचार्य है खाली वही चढ़ा करके उसके महत्व को बताए, सबकी तरफ से एक आचार्य को ही चढ़ाना चाहिए, बाकी लोग क्लास को अटेंड करें, उसका महत्व क्या है। हर आदमी आज की डेट में रोगी बना पड़ा हुआ है, और अगर इसी दो महीने में, चूंकि औषधीय गुण हमारे बेलपत्र में सबसे ज्यादा आ जाता है, अगर बेलपत्र का हम सेवन कर ले तो डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। मेजॉरिटी में सब डायबिटीज के पेशेंट बने पड़े हैं, लेकिन ले जाएंगे बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाएंगे, चढ़ाना इस शिव पर है। और जो अंदर के शिव को छोड़ करके बाहर की शिव की आराधना करता है, उसके लिए दुर्भाग्य ही लिखा हुआ है, हमारे सारे उपनिषदों में लिखा है। तो बाहर के माध्यम से हम अंदर को समझें, उसका रुद्राभिषेक कैसे करें, रोज हमको रुद्राभिषेक करना होता है, रोज ज्ञान की साधना, फ्रेश ज्ञान रोज लाना है, वही हमको शीतलता देगा, पवित्रता देगा। बहुत सुंदर। अब किसका कोई प्रश्न, देखिए कोई रह तो नहीं गया। ब्रह्म से प्रारंभ करते साधना और विशेष रूप से गायत्री साधना के माध्यम से संपूर्ण शरीर की संरचना को जिस तरह से प्रतिपादित किया गया सिंह साहब, कुछ प्रेरणा स्रोत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अंतर जगत की दिव्य यात्रा, धन्यवाद दे रहे हैं आपको। आज तो प्रश्न और बनता हो तो उसको पूछा होगा, हमसे थोड़ा सा भूल हुई कि चूंकि विषय कठिन था, इन सब चीजों को कवर करना था, तो इसलिए हमने एनाटॉमी को बता पा रहे हैं, कड़वा भी ना हो थोड़ा सा। आपने बहुत सरल शब्दों में बताया, कठिन को भी आपने सरल कर दिया, यही आपकी विशेषता है। और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। एक मिनट, बताएं भाई जी। जी पूछ लीजिएगा। हाँ पूछ सकते हैं। जी जी नमस्ते जी। जी नमस्ते नमस्ते। हाँ जी जी, एक क्वेश्चन मेरा जी जी की, जैसे हर भगवान के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र रख लिया गया है हिंदू धर्म में, वो कितना तार्किक है रियल लाइफ में? जैसे अभी सावन आ गया तो भगवान शंकर की पूजा कर लो, चतुर्मास आ गया तो रियल में इसका कितना इम्पोर्टेंस है और कितना तार्किक है ये? हाँ देखो, ऐसा है कि मंत्र वीणा मंत्र जो होता है, मंत्र का मतलब परामर्श, आप ये मान के चलो, मंत्र जैसे मंत्र से मंत्री बना है, महामंत्री, महापरामर्श। तो मंत्र के बिना, सुझाव के बिना, सलाह के बिना, और हर मंत्र की यथार्थता को समझ करके अगर उसका जप किया जाए, जप का मतलब खाली जिह्वा से नहीं होना चाहिए, उसके महत्व को समझना पड़ेगा, उसको ज्ञान से भी करना है, कर्म से भी करना है, भाव से भी करना है, चेतना से करना है,
परमात्मा ने हमको चेतना संपन्न बनाया है, तो हम उसको समझें कि इस समय जो समय चल रहा है इस समय ये वाला मंत्र और प्रभावी होगा। अब जैसे गायत्री मंत्र को महामंत्र बोला गया क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें मिल जाती हैं और बाकी जगहों पर एक एक गुणों की बात आती है। अगर हम एक देवता को लेते हैं तो उसके एक गुण को पकड़ लें, दूसरे देवता को लेते हैं दूसरे गुण को पकड़ लें, या अगर उस देवता की गहराई में जाएंगे तो हमको सारी चीजें मिलने लगेंगी। देवता तो एक ही है ही है, दूसरा देवता है ही नहीं, सिर्फ एक देवता है। लेकिन समझने के लिए चूंकि हमारा बुद्धि विवेक छोटे स्तर पर है इसलिए उसको टुकड़ों में बांट दिया गया है, 33 कोटि कर दिया गया है, 33 वैरायटी कर दिया गया, 33 करोड़ कर दिया गया है, और इतनी सुविधा दे दी गई है कि अपनी अपनी च्वाइस के हिसाब से जितनी मुंडी है उतने ब्रह्मांड है और सबकी अपनी च्वाइस है। तो अपने संस्कारों के अनुसार एक देवता को पकड़ करके उसके गुणों को हम आत्मसात करें और यही उसकी साधना है, वो मंत्रों के माध्यम से होती है। तो कोई भी एक मंत्र ले लो, अब खाली है कि मंत्र हम पढ़ेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो मंत्र पढ़ने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। उस टाइम तक शांति रहेगी, उससे कुछ रेडिएशन जरूर बॉडी में मिलेगा, लेकिन उस मंत्र को अगर और प्रभावी ढंग से पढ़ा जाएगा, और पढ़ने का मतलब खाली सलाह को मानना कि सलाह को क्या मान रहे हैं। अब गायत्री मंत्र की दीक्षा, गायत्री मंत्र की दीक्षा गायत्री से ली जाती है, किसी व्यक्ति से नहीं ली जाती है। यहां पर जो दीक्षा ली गई है वो दीक्षा का मंत्र ही है कि हम महाविद्या गायत्री से दीक्षा ले रहे हैं। और देने वाला कौन है? पहला काम होता है अनुशासन। एक गुरु का सिलेक्शन किया जाता है कि जिसने अनुशासन बनाया है उस गुरु के अनुशासन को मानते हुए अगर हम गायत्री की दीक्षा का पालन कर रहे हैं तो वो सारे प्रतिफल मिलेंगे जो पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो वो अनुशासन परम पूज्य महाप्राज्ञ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने बनाया है, और ये दीक्षा हम अगर पुस्तक से भी ले लें, एक जानवर से भी ले लें, एक पत्थर से भी ले लें, लेकिन अनुशासन उस गुरु का मानना पड़ेगा, उतना ही लाभकारी होगा। और किसी बहुत बड़े विद्वान से कान फुकवा लें हम और अनुशासन को न माने, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये नियम आता है कि जो भी मंत्र की हम बात करें उस परामर्श को किस अनुशासन में पालन करना है। अब गायत्री प्राण की साइंस है और प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ प्राण है सारी समस्याओं को अपने आप समाप्त करेगा, लेकिन गायत्री की साधना करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने क्या अनुशासन दिया उसका पालन करना पड़ेगा। अगर हम उसका पालन करते हैं तब हम गायत्री साधक कहलाएंगे। और अगर ये है कि टंट घंट हमने कर लिया, 10,000 खर्च किया, 20,00,000 खर्च कर दिया, ये ले लिया वो ले लिया, उनसे दीक्षा ले लिया इनसे दीक्षा ले लिया, गुरुदेव से दीक्षा क्यों नहीं लिया, कोई फायदा नहीं होगा। अगर गुरुदेव से हमने दीक्षा नहीं लिया है, एक जानवर से अगर गायत्री मंत्र की दीक्षा लिया है लेकिन गुरुदेव के अनुशासन को अगर आत्मसात किया है, पूरा फायदा मिलेगा। इसको फायदा कहते हैं, इसको आत्मसात करने की कला कहते हैं, इसी को जप कहते हैं, इससे फायदा होता है। सुबह शाम कंठी लेकर के डोलाने से, अगर कंठी लेकर डोलाने से होता तो कबीरदास कभी संत नहीं बन पाते। तो कुछ समझ में आया? जी कुछ। हाँ चलो बिना, बाकी प्रश्न जो है अलग से पूछ लेना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वरना फिर मुझे पूछना पड़ेगा प्रश्न। एक प्रश्न मन में आया शर्मा जी, नमस्ते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, ऋषि साहब पहली बार आए, बिल्कुल। इतना गूढ़ ज्ञान सबके लिए तो संभव नहीं है। मैं एक छोटी सी, मेरा मन में बात आई, एक किसान है, हिंदुस्तान में 60-70% लोग किसान है कि वो काम करते हैं, उनके लिए मुक्ति का मार्ग क्या है? सर भूल गया, तो लिए भी यही मार्ग है, और जो हमारी टीम है उसमें मेजॉरिटी में किसान है, तो उनके लिए वो प्राप्त कर रहे हैं। सर जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ये प्राणायाम, ये प्राण की साधना, ये साधना कैसे संभव है ये बताइए। हाँ बिल्कुल संभव सर, हम बता रहे हैं उसी को आपका प्रश्न आया है। प्राणायाम हम 24 घंटे करते हैं सर। प्राणायाम करने के लिए किसी पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। सांस को लेना और सांस को छोड़ना यही प्राणायाम है।
उसी को थोड़ा सा जाना ही देते हैं। वो आयाम आयाम है, आना और जाना है, लेकिन प्राणायाम नहीं है वो। सर वही प्राणायाम है, उसी को एक अनपढ़ को भी बैठा के जब पढ़ा दिया जाता है और उसकी श्रद्धा रहती है, इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है सर। श्रद्धा अगर है, जिज्ञासा अगर है, सीखने की ललक है, अपने रोगों को निवारण करने की अगर उसके अंदर उत्कंठा है तो वो लाभान्वित होगा। आपके अनुभव के मुताबिक क्या हिंदुस्तान का किसान इस मुक्ति को, इस मार्ग को अपना सकता है? सर लाखों लोग अपना रहे हैं जो कभी विद्यालय नहीं गए हैं और हमारे साथ हैं, लाखों लोग जिनको हम जानते हैं, लाखों लोग नहीं। किस वर्ग के लोग हैं सर? हर वर्ग के लोग हैं, खुंचा वाला है, ठेला लगाने वाला है, जिसके पास खेत नहीं है हम उसकी भी बात कर रहे हैं सर। ठीक है, अगर संभव है तो मुझे तो बड़ा मैं भी सब लोग लाभ ले रहे हैं, संभव है इसीलिए कहा जा रहा है, अदरवाइज गुरुदेव साधना करने क्यों आते सर? गुरुदेव ने इसीलिए सबके लिए ओपन कर दिया। अब वो समय चला गया कि हम इस कुल में, इस गोत्र में यहाँ पैदा हुए हैं तभी हम सीख सकते हैं, वो सब उन्होंने काट के किनारे कर दिया। उन्होंने कहा इसके लिए किसी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आपने तो कह दिया, लेकिन जो सब लोग सुन रहे हैं, कहने दिया सर, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं, ऐसे लोग हमारे बहुत बहुत अभिन्न अंग हैं, मित्र हैं हमारे, जो इसका लाभ ले रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए मैं सिंह साहब का परिचय करा दूं। आप हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, जीजी ऋषि साहब मेरे बड़े भाई हैं, और आप पूर्व में कजारिया सर्विस के डायरेक्टर रहे हैं और मंत्र लेखन डेली करते हैं, मतलब कब से करते हैं, और इतना मंत्र लेखन इतना साफ लिखते हैं, कभी कभी तो मुझे वो होती है, और बड़े मतलब है इनके मन की जिज्ञासा थी। और आप ऋषि साहब ये मेरे दोस्त हैं, ऐसी सिंह साहब यहाँ एडिशनल जनरल मैनेजर हैं। जी हाँ जी, तो एक हमारा अपना अलग चैनल हम लोगों का चलता है, वो पिछले लगभग 5 साल से चल रहा है, उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। सैटरडे और संडे को 1.5 घंटे का क्लास होता है ब्रह्महूर्त काल में, और उसमें एक अनपढ़, एक गंवार, एक किसान, एक खुंचे वाले से लेकर के और बहुत ऊंचे स्तर के ब्यूरोक्रेट से लेकर टेक्नोक्रेट तक और मैनेजर से लेकर के पंडित तक जितने भी लोग हैं वो सब शामिल रहते हैं, और शंकर जी की बारात है सर, तो शंकर जी की बारात में सभी लाभ ले रहे हैं। किसी और का प्रश्न पूछ सकते हैं सर, आप उस चैनल के लिए आप अलग से बात करेंगे, हमारा नंबर आपके पास जरूर होगा सर। जी जी जी, चलिए उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सर। हाँ भाई साहब प्रणाम, चौहान बोल रहा हूँ मैं बंगलौर से। चौहान साहब, यस बंगलौर से चौहान साहब, बोलिए साहब बताए सर। भाई साहब हमारा प्रश्न ये है कि आज के जीवन की भागदौड़ में, व्यस्तता के क्षणों में, मतलब समय का किस तरीके से समायोजन किया जाए जो कि हमारे आध्यात्मिक कार्य भी पूरे हों, सामाजिक कार्य भी पूरे हों, और हमारी जो जीवनचर्या है वो भी पूरी हो, और साथ में जो सामाजिक बुराइयों जो है, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं और समझदार भी लोग में, लेकिन वो बुराइयों के प्रति खड़े नहीं होते हैं, तो उनमें किस तरीके से उस तरीके का चीजें डेवलप की जाएं कि जिससे हमारा जो मिशन है वो एग्जैक्टली मतलब फ्रूटफुल हो और हम सही दिशा दे सकें उसको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहली चीज तो सर यह है कि जो समय का नियमन और संयमन की बात है, इसीलिए कि दो साधनाएं जो हम लोग करते हैं, आत्मबोध की और तत्वबोध की, आत्मबोध की साधना यही है कि पूरे दिन की अपने जीवनचर्या को उसका नियमन हम प्लान बना के करें, और थोड़ा सा अगर हम जो अवांछनीयता है उसका नियंत्रण अगर करने लगेंगे और चेतना संपन्न होते जाएंगे तो जो काम 4 घंटे में करते हैं वो 1 घंटे में होने लगेगा सर। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल हम खुद करते हैं, इतना कार्य क्षेत्र बढ़ गया है कि जो काम आज के 4 साल पहले करते थे उसका कम से कम 10 गुना काम बढ़ गया है, एक चीज। दूसरी चीज कि जो समाज की बात है सर, उसके लिए तो जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है और सबसे ज्यादा प्रभावी हमको किया है, हम बदलेंगे जो बदलेगा, सिर्फ अपने को बदलना है सर, किसी को नहीं परिवर्तन करना है, और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है सर। अपनी विसंगतियों को अगर हम नियमन कर लिए तो उससे स्वतः लोग प्रेरित होंगे सर, बस खाली अपने को आचरण में लाना पड़ेगा, और आचरण में लोग देखें कि हम निरोगी हैं,
सारी व्यवस्था स्वयं कर ले रहे हैं और बहुत शालीनता के साथ जीवन भी बिता रहे हैं, तो लोग स्वयं प्रश्न पूछेंगे कि आखिर आपका कैसे निपट रहा है, आप रोग से कैसे बाहर चले गए। तो करना तो वही सर, सारे मंत्र गुरुदेव ने वही दिया, वही तो गायत्री साधना है सर कि जो 24 घंटे करनी है अपने को। तो अपनी इफिशियंसी और इफिकेसी दोनों को डेवलप करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहे हैं। अब आप देखें कि हमको पूरे स्टेट को कंट्रोल करना रहता है और स्टेट को कंट्रोल करना 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, लेकिन अपने को भी कंट्रोल करना रहता है। और किसी को प्रश्न पूछ सकते हैं? करें, बढ़िया से करें, संसार को बढ़िया से सुव्यवस्थित करना ही तो इसका उद्देश्य है सर। लेकिन भाई साहब कभी कभी मन करता है लोग दोहा सीधे सीधे ले लिया जाए समाज में विषमताओं से उसी को रोकना है सर, मन करता है कि दो दो हाथ हो ही जाए ऐसा लगता है। उसी को रोकना है। कोई और कोई प्रश्न किसी का अनम्यूट कर पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। सिंह साहब मैं पूछ लू सवाल आपसे? बिल्कुल सर, आदेश करें। कोई किसी का सवाल है पहले, कभी ये ना कहे सर मेरा सवाल है, अनम्यूट पे पूछ सकते हैं। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जितने सिंह साहब के साथ आते हैं डेली क्लास चलती है सब, आ जाए करें क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम थिंग, ये आपकी छाया उसमें आते हैं, जैसे वो आत्मा और छाया है ना सर, ये आप प्राण क्या है सर, शरीर की छाया ही तो है, आत्मा और प्राण क्या है सर? हाँ, आत्मा और प्राण और शरीर और छाया दोनों चीज है ना, तो आपके साथ जो है ये चल रहे हैं। एनीवे सर, इसमें जो उपनिषद में प्रार्थना में क्या कामना की गई, जो मेरे ख्याल से चौहान साहब ने बात कही, तो उपनिषद में भी प्रार्थना में क्या कामना की गई अगर देखा जाए? सर ये प्रार्थना में जितनी भी कामना की जाती है, अल्टीमेटली सारी कामनाएं जो है हमको आत्म साक्षात्कार और आत्म दर्शन की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल सही। जब हम आत्मा से निकटता स्थापित करते हैं तो शांति भी होती है, कल्याण भी होता है, स्त्री समृद्धि प्रज्ञा सबकी वृद्धि होती है, और इसी की तो कामना इंसान करता है। और सबको देते हुए और हमको जो है ब्रजत ब्रह्मलोकम की यात्रा कराते हैं, इसी की कामना सारे उपनिषदों में आई है लास्ट में। उपनिषदों में जो कामना की गई, हे ईश्वर मुझे असत से सत की अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर, और चल अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमर तत्व की ओर ले चल, मतलब यही हमारी जो साधना है उपनिषद में, यही की गई है कि हम लोग जो है वो प्रकाश मिले। और एक छोटा सा सवाल ये था, उपनिषदों में जो किसी चीज का जो बल दिया गया वो किस चीज का ज्यादा बल दिया गया, मतलब जो पुराने टाइम में ऋषियों ने जो बल दिया उपनिषद में, वो किस चीज पर बल दिया? तो बल दिया है सर कि आत्म संपन्नता की, आत्मबल को बढ़ाइए, और आत्मबल से ही सारा हमारा कंट्रोल होगा, तो आत्म नियंत्रण ही आत्मबल है। जो आपने अभी कहा था, जो सेल्फ डिसिप्लिन आपने कहा, किसी से भी ले लीजिएगा, वो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो वो नहीं होगा। तो परिषद में अगर देखा जाए, असल में जो गुरु का अनुशासन, यही गुरु पर्व है। गुरु अनुशासन का देवता होता है सर, परमात्मा का वो स्वरूप है, उसके अनुशासन को नहीं अगर मानेंगे हम तो हम उसी से दीक्षा क्यों न लिए हो, कोई फायदा नहीं करेगा। गुरुदेव ने कई बार इस तरह लिखा है, कई जगहों पर इस तरह के वक्तव्य भी दिए हैं, कली भी रोज दर्शन करती है लेकिन कभी महात्मा नहीं बनती है। छोटा सा छोटी सी बात है ना, माँ को मान दे माँ की नहीं मान दे, बाप को मान दे बाप की नहीं मान दे, गुरु को मान दे गुरु की नहीं मान दे, कोर की का फर्क है, जहाँ ये कोर की खत्म हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। एनीवे बहुत अच्छा लगा, सभी लोग जो आए और हमारे बीच में दमोह से जो आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, पहली बार दमोह से आए हैं आप, बहुत उनका भी स्वागत है। और कल की जो कक्षा है वो हमारी चिन्मय मिशन की जो है प्रणति जी लेंगी डेली लाइफ के ऊपर, और परसों जो है ऑटोबायोग्राफी और उस पर है गुरु गोविंद सिंह के पे लेंगे विनय कक्कड़ जी, और फिर उसके बाद एक टॉपिक ले रहे हैं श्री मनोज शर्मा जी, वो ले रहे हैं मानव व्यक्तित्व के 5 आयाम 5 डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन प्रेजेंटेशन, ये 3 रहेंगे। और समय हो गया है, प्रश्नकाल ले लिया गया है, और आपका आदरणीय सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत तरीके से समझाया, प्रश्न तो मेरे मन में और थे पर समय को देखते हुए फिर मैं ओम शांति 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 कर। थैंक यू सर।